उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा की 30 साल की महिला नेता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सुभा सपा नेता नंदनी राजभर की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। नंदनी सुभा सपा महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत थी। ये पूरी वारदात खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के डीघा बाईपास इलाके की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नंदनी के शरीर पर चाकुओं के कई वार पाए गए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। दरअसल नंदनी राजभर अपने घर के कमरे में बिस्तर के नीचे जमीन पर लहूलुहान अवस्था में मिली। उनके गले पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। घर वालों ने बताया कि कुछ दिनों से नंदनी राजभर को धमकियां मिल रही थी, जिससे वो तनाव में थी। नंदनी की सास आरती देवी बताती हैं कि रविवार शाम वो करीब 5:30 बजे नंदनी को आवाज दे रही थी, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इस पर उन्होंने उसके कमरे में झांका तो नंदनी बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ी मिली। उसकी सांस भी थम चुकी थी। बताया जा रहा है कि नंदनी की हत्या रविवार शाम 3 से 4 बजे के बीच की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नंदनी के पति का नाम अच्छेलाल है। इस घटना के समय वो घर में अकेले थी। उनकी सास बाहर से घर पहुंची तो उन्हें वो मृत अवस्था में मिली। पुलिस का दावा है कि नंदनी का किसी से भूमि विवाद चल रहा था। बीती 29 फरवरी को नंदनी के ससुर भी रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए थे। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। 10 मार्च 2024 को शाम लगभग 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती जिनका नाम नंदनी राजभर है, पत्नी अच्छेलाल राजभर निवासी डीघा, इनका किसी के द्वारा हत्या कर दिया गया है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, साथ के साथ वहां पे फील्ड वारंट भी पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। वहां पर पुलिस ने पाया कि जो नंदनी राजभर है, इनका किसी के द्वारा धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में परिजनों के मदद से जो इनका मृत शरीर है, इनको मॉर्चरी पहुंचाया गया। वहां पर बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी इस समय प्रचलन में है। साथ ही जो परिजन थे, परिजनों से इस मामले में तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर में जो नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से एक अभियुक्त जो पहले से ही पूर्व में जेल में है, साथ ही इसके जो दो अभियुक्त हैं ध्रुवचंद यादव और पन्नेलाल यादव, इनको पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो SHO हैं और जो चौकी प्रभारी हैं, इनकी जो कार्रवाई इस प्रकरण में और साथ के जो एक पूर्व का प्रकरण है उसमें कार्रवाई असंतोषजनक पाई गई है, जिसके संबंध में जो परिजन है उन लोगों ने भी असंतोषजनक कार्रवाई के प्रति उन्होंने शिकायत की है। इसके तहत इन SHO और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतका नंदनी राजभर के शव को ले जाने को लेकर ग्रामीण और प्रशासन में काफी नोकझोंक भी हुई। घंटों तक उच्चाधिकारियों से काफी समझाने के बाद ग्रामीण शव देने को राजी हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला संत कबीर नगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के दीघा गांव का है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों के साथ पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के चलते गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें कि संत कबीर नगर में 29 फरवरी को नंदनी के ससुर बालकिशन की लाश रेलवे ट्रैक पर पाई गई थी। आरोप है कि बालकिशन ने किसी को जमीन बेची थी, लेकिन जमीन लेने वाले पैसे नहीं दे रहे थे। उनके परिजनों का आरोप है कि इसी के चलते बालकिशन को मार डाला गया और इसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।